सदियों पहले की बात है, प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के एक द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। इसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख ये था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फल स्वरूप उनकी तीन रानियों ने चार पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। इस कहानी के मुख्य पात्र इनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पे कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पे आते हैं उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए। भगवान विष्णु ने 10 अवतार दिए हैं। विश्वास किया जाता है राम उनके सातवें अवतार थे। राम की 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति के शिखर पे था। रावण के मामा मरीच ने और उसकी मां ने मुनि विश्वामित्र के नाक में दम किया हुआ था। ये मुनि अयोध्या की सीमा के पास एक जंगल में रहते थे। ये राक्षस विश्वामित्र की प्रार्थनाओं में प्रतिदिन विघ्न डालते थे। और ऐसे ही एक ओम अग्निमीड़े पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः अग्निः पूर्वे भीरुचिभिरेभ्यो नूतनैरुतदेवानेन वर्धते ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः अग्निनागैमश्नवस्फोटमेव दिवे दिवे यजतं हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार। महामुनि, आपके आने से मेरी ये सभा धन्य हो गई। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। हे सूर्यवंश के महान राजन दशरथ, राक्षसों ने पवित्र धरती का नाश कर दिया है। हम बड़े संकट में हैं। उन्हें मारने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। राम? लेकिन ये तो अभी बालक है। मैं स्वयं चल के उन पापियों को मिटा दूंगा इस धरती से। ये आज्ञा मुझे स्वयं भगवान ने दी है और राजन, तुम इसे टुकरा नहीं सकते। भई तो इनके साथ राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र बलवान और बुद्धिमान है, सारे अस्त्र शस्त्रों में निपुण है। तुम्हारे बेटों की रक्षा करेंगे वो। राम लक्ष्मण मेरे पास आओ। हे ऋषि विश्वामित्र, मैं अपने बेटों को आपको सौंपता हूँ। इन्हें शिक्षा
और साहस दीजिए। सुखी रहो राजा दशरथ, तुम्हारे इस निर्णय ने बचा लिया पूरे संसार को। मुनिवर जो भी हमको आज्ञा देंगे वो पिता समान होगी। मुनिवर की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जानते हो, कभी ये बहुत सुंदर वन था, पर अब इसका नाश हो गया है उस दुष्ट ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी के कारण। उसका दुष्ट बेटा दूसरे राक्षसों के साथ आकर पवित्र अग्नि को भ्रष्ट करता है। राम, तुम्हें ताड़का को मारना होगा। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा, उनसे तुम्हारी रक्षा होगी। अब मेरे बात बोलो। शूलेन पाहिनो देवी, शूलेन पाहिनो देवी, पाहि घटके न चांबिके, पाहि घटके न चांबिके, घंटा स्वनेन न पाहि, घंटा स्वनेन न। तुम्हारा ये मंत्र मेरे दिल को जी रहा है। ये छोटे से बाण क्या बिगाड़ेंगे मेरा। राम, मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो। बहुत बरस पहले इसी स्थान पर मेरी कठिन और घोर तपस्या के बाद देवताओं ने मुझे शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण बनाया। अब समय आ गया है कि मैं इन दैवीय शस्त्रों को किसी उचित पुरुष को सौंप दूं। ये लो राम, इनका सही उपयोग करो। अब ये तुम्हारे हैं, इनसे सदा धर्म की रक्षा करना है। ये वो, इसी मानव ने मेरी माँ को मारा है। मैं इसे मारकर माँ के खून का बदला लूंगा। मैं कसम खाता हूँ। दैवीय शस्त्र प्रयोग किया, उसे तुरंत कैसे चला पाए आप? ये सब दैवीय शस्त्र है। राम को इनका प्रयोग सीखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, मुझको प्रयोग बताइए इस चक्र का। वो भी सीख लोगे, परंतु जो काम तुमको करना है धर्म समझकर करना है। Thank you.
देगा, राजा जनक उसे एक अनोखा उपहार देंगे। विजेता का राजकुमारी सीता के साथ विवाह कर दिया जाएगा। अगले राजकुमार जगधरा सवारा प्रदेश के। श्री राम अयोध्या के राजकुमार। कुछ वर्ष बीते, अयोध्या फलती फूलती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा। गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे, उठो, यहां आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। शोर कर रही नीच मंथरा, तुम चिड़ियों को क्यों कोस रही हो? कहते ही सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरे राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या, हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं। बुद्धू औरत, वो ही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ कहके, तुम तो बड़े भोली हो, ताऊ पेच नहीं जानते। देखा, तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंथरा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर? क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है, शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहती रानी हो ना महाराज की, यही कौशल्या की जलन है तुमसे। जलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर
क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसे शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे दो वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल दो वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वो ही दो वरदान चाहिए। और पहला वरदान है। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कहके। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही दो वरदान दीजिए। उन दो वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। भैया, आपको सुनाई नहीं दिया लोगों का विलाप? लक्ष्मण, यही लिखा है मेरे भाग्य में। पर क्या हम यही सोचकर हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे रहे और कुछ ना करें? ये तलवार क्या ये केवल दिखावे के लिए एक आभूषण है? भाई, तुम भाग हो मेरे जीवन का, एक हिस्सा हो मेरी आत्मा का। कृपया मुझे समझने का प्रयत्न करो। मेरे स्वामी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। पर सीता, तुम जैसे पति का धर्म है, स्त्री का भी वही है। जो भाग्य आपका है वो मेरा भी है। ये सच है। एक आत्मा है तो उसका भाग्य भी एक ही होगा। तो भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। धन्यवाद। माँ, आप चिंता न करना, 14 वर्ष वन में जल्दी ही बीत जाएंगे। इसके बाद लौटकर मैं आपके चरणों को छूकर आशीर्वाद लूंगा। अच्छा मेरे बेटे। राम, राम, दोष क्यों नहीं देते तुम मुझे? तुम द्रोही क्यों नहीं कहते मुझे? इससे मेरा पाप कट जाएगा। ना ही मुझे ये राज्य प्यारा है और ना ही अधिकार। मुझे जाने से पहले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत है पिताश्री। मेरे बेटे, वंश के परदादाओं का मान बढ़ाना, कुशल मंगल लौट आना। दुनिया में ऐसा महान बेटा और किसका होगा? मंत्री जी, राम के साथ वन में जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और सेना का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, प्रकृति ने स्वयं प्रबंध किया हुआ है मेरा, तो मुझे जरूरत क्या है पूरे आडंबर और ठाट बाट की? तो फिर जो भरत को मिलेगा इस देश का राजा बनके, वो होंगी खाली तिजोरियां और केवल थोड़े से सिपाही? माता, आप आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। श्री राम, हमें छोड़ के ना जाइए, आप ही हमारे राजा हैं। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, आपको मालूम है मुझे कितना प्यार है आपसे। आप मुझे कितना चाहते हैं ये मुझे मालूम है। आप यदि मुझे प्यार करते हैं तो मेरे भाई भरत को भी प्यार कीजिए। वो आपके प्यार के और आपके राजा बनने के योग्य है। सहयोग दीजिए उन्हें, मैं विनती करता हूँ। सहयोग दीजिए मेरे दुखी पिताश्री को। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, यही मेरी प्रार्थना है आपसे।
राम। छह महीने बीत जाते हैं। राजा दशरथ का महल अंधकार में डूबा रहता है। राम, राम, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर देना। राम, राम। ये सांसारिक पीड़ाओं और सारे दुखों से मुक्त हो गए। कैकेयी के बेटे भरत अपने नाना से मिलने कैकेयी गए हुए थे। उन्हें तुरंत अयोध्या बुला लिया गया। माँ, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? बेटे भरत, बहुत अच्छा हुआ आ गए तुम। बताओ माँ, जो हुआ सच है वो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हे भगवान, यानी सच है ये बात? हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए बेटे। कौन सी खुशियाँ? भ्रष्ट औरत, तुमने पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है। मुझे बताओ, किस नीच ने भड़काया है तुमको? या, यही है वो कुबड़ी जिसने हमारी माँ के हृदय में विनाश और स्वार्थ के बीज बोए थे। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी, कैकेयी और भरत की भलाई सोची थी। चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। रहने दो भैया, इसके खून से हमारे वंश की तलवार अपवित्र ना करो। तुम जैसी कुलटा मेरी माँ नहीं हो सकती। सारी दुनिया को यह मालूम होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो दुखिया माँ को। भरत कृपया क्षमा कर दो अपनी माँ को, क्षमा कर दो बेटे। तुमने क्या कहा मेरे भाई? हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सुधार गए हैं पिताश्री। पिताश्री, क्षमा कर दीजिए अभागे राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया, मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी माँ के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है। मत भूलो, महान सम्राट राजा दशरथ ने यह आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। इसलिए हमारा धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। आपकी आज्ञा मिल गई, अब चिंता नहीं मुझे। पर मैंने एक निश्चय किया है, ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा, ये आपका है। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं। अब मैं राज्य संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक ही। भरत मेरे भाई। भैया, Thank you.
हमारे मुख्यमंत्री ने इस समय यहाँ पर आने का कष्ट किस कारणवश किया? राजन, सुना है कि दंडक वन में जनस्थल के अंदर मुनि लोग अपने आश्रम में वापस आ रहे हैं। इस बार वो लोग बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी इस खुशी का कारण है अयोध्या नगर के महाराज कुमार राम। ओ, तो वो राम अत्यंत सुंदर है ना? लेकिन हमने तो सुना है कि राम डरपोक है, उसे तो देश के बाहर कर दिया, वो भी उसी के लोगों ने। ये सही है राजन, पर इसके बारे में हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। ओ राम, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। रावण की छोटी बहन एक सुंदर सी स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने पंचवटी आती है। मेरा नाम शूर्पणखा है। राम, तुम कितने सुंदर हो, शक्तिशाली हो, विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। तुम ब्याह की बात मेरे भाई लक्ष्मण से करो, वो भी बड़ा बलवान है, बड़ा सुंदर है। है तो वो भी सुंदर। मैं तो केवल तुम्हारा हित सोचता हूँ, मेरी क्या बिसात है भैया के सामने। मुझे तुम ऐसी नहीं लगती जो आकाश से गिरकर धरती पर आ जाए। हाँ, तुमने ठीक ही सोचा, मुझे धरती पर नहीं चलना, मुझे आकाश में उड़ना है। चलो चलो, मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी।
क्या हुआ बहन? अरे हमारी छोटी बहन को क्या हुआ? राम, तुम्हारा कहना है वो अयोध्या का दुर्बल कुमार था जिसने ये काम किया? बोलो भैया, वही जिन्हें तुम दुर्बल कहते हो उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, राक्षस जाति की नाक काट दी। तुम घबराना नहीं बहन, अभी उन केचुओं के टुकड़े करवा के मैं गिद्धों के सामने फेंकवा दूंगा। मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ और उससे कहो कि मैंने उसे राम पर हमला करने को कहा है। जिसका मुझे डर था वही हुआ राजन। आपके भाई कुंभकर्ण अगले 6 महीने तक नहीं जागेंगे। मेरा वश चलता तो मैं सीता की सुंदरता उजाड़ देती। क्या इतनी खूबसूरत है वो? संसार में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो सीता से ज्यादा सुंदर हो। उसकी सुंदर आंखें हैं, लुभाने वाला अंग अंग है, रंग उसका पिघले हुए सोने के मानिंद है। ओह, स्वर्ग की अप्सरा है जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया है मेरे भाई। वो बिल्कुल योग्य नहीं राम के। ओह, सीता के योग्य पुरुष कोई और है और वो तुम हो। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। तो मारीच, अब हम रूप धारण करें? हाँ, यही हमारी चाल थी। ओ, ये रूप तो अति उत्तम है। इस छल को नहीं समझ पाएगा राम। सुंदर, अति सुंदर। ओह, ये तो अति सुंदर है। ये सच्चा है ना? कोई सपना तो नहीं है? स्वामी, मेरे लिए इस हिरन को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, वो वेशधारी शूर्पणखा आपको याद है ना? ध्यान रहे, छलियों के भुलावे में मत आ जाइए। अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना। ओह, तो ये राक्षस है जो मृग बनकर छलने आया है। मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूँ। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जिस तरह मैंने सोचा था।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। समझ गया, इसे किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांग सकता, तुम इसे लांग सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं, आओ पुण्यवती देवी। लक्ष्मण भैया, तुमने अकेला क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? मैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओह, वो चीख तो उस बहुरूपी राक्षस की थी। मेरी आवाज में आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। सीता, तुम मेरी हो अब, मेरी हो। ये कौन है? जाने दो उन्हें, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मुझे रोकने चला था सुंदरी, मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा अब तुम्हें। छल गया मुझे, छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को जब मैं कुटिया में नहीं था। शपथ लेता हूं लक्ष्मण, शपथ लेता हूं इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक पीछा करूंगा मैं इस बहुरूपिये का, और ढूंढ कर उस कपटी को नाश कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा उसका। अब शांत हो जाइए मेरे भैया, आपने ही तो हमेशा कहा है कि मनुष्य क्रोध के द्वारा न्याय के पथ पर नहीं चल सकता, और फिर आप तो पूरे प्राणियों के शुभ चिंतक हैं। अपनी बुद्धि को क्रोध से धुंधला मत कीजिए भैया। तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अब से जैसा तुम कहोगे मेरे प्यारे भाई, अब वैसा ही मैं करूंगा। लक्ष्मण, कहीं ये हिरन हमें सीता की सूचना देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये शायद हमें वो दिशा दिखा रहा है जिस ओर सीता को ले जाया गया है। आइए चले भैया। बचाइए मुझे स्वामी, स्वामी। ए, ये क्या है? मुझे क्षमा करें श्री राम, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन सीता मैया को वो ले गया। मेरे बूढ़े पंखों को वो दुष्ट घायल कर गया। ओह जटायु, तुम दोषी नहीं हो। मेरी प्रिय पत्नी को बचाने में तुमने तो अपने प्राणों का मोह भी छोड़ दिया। आप दुखी न हो प्रभु, सीता मैया आपको अवश्य मिलेगी। जटायु, जटायु। Ah!
दासियों सावधान, तुम में से किसी ने भी अगर इस पवित्र देवी को हानि पहुंचाई तो मैं उसे मार दूंगा। त्रिजुटा, मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? तुम इनके मुख्य रक्षक हो, अशोक वन में ये जो कुछ भी मांगे इन्हें तुरंत दे देना। मैं अवश्य दूंगी राजन। हठीली है ये देवी, परंतु तुम इन्हें हर वस्तु देना जो ये मांगे, केवल भागने मत देना। खाने में मजा आएगा। और ये बाण, मुझे लगा तो दर्द होगा ना, पर ये मुझे नहीं लगा। पुण्यात्मा, मैं भी स्वर्ग का प्राणी था, श्राप के कारण राक्षस बन गया। इस श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब कोई महापुरुष मुझे युद्ध में हरा देता, तभी मैं अपने असली रूप में आकर स्वर्ग को लौट सकता था। धन्यवाद भगवान, पर इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, केवल ये सलाह दे सकता हूँ, तुरंत सुग्रीव को ढूंढिए। सुग्रीव कौन है ये? यह तो एक झील है। लक्ष्मण अब बोलो क्या करें। उधर कुछ लोग मुझको दिखाई दे रहे हैं, उनसे पता पूछते हैं सुग्रीव का। यह अच्छा विचार है। रुकिए। सन्यासी का वेश धारण किया है तो भी तेज आप दोनों का राजकुमारों जैसा है। ये तो सत्य है कि सृष्टि तो एक माया मंच है, और इसी विशाल मंच पे हम सब लोगों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी होती हैं। ऐसे गुणवान व्यक्ति से मैं इस घने जंगल में मिलूंगा, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरा नाम है राम, ये है मेरा भाई लक्ष्मण। अयोध्या के महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरी प्रिय पत्नी सीता की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट राक्षस उठाकर ले गया है, कहां वो मालूम नहीं हमें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मेरे सौभाग्य ने ही मुझको प्रभु राम से मिला दिया। मेरा नाम हनुमान है और मैं मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का। लक्ष्मण, दुविधा में पड़े थे हम कि कहाँ ढूंढे सुग्रीव को, लेकिन अचानक सुग्रीव का ही मंत्री स्वागत कर रहा है। निश्चय ही ये अच्छा लक्षण है हमारे लिए। हे भगवान, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान राजा दशरथ के पुत्रों से मिल रहा हूँ जिनका नाम संसार की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। एक दिन इसी जगह मैंने दर्द भरी पुकार सुनी थी, स्वामी। थोड़े दिन पहले हवा की गति से तेज एक उड़ता हुआ रथ इस तरफ जा रहा था और हमें एक स्त्री की चीख सुनाई पड़ी, स्वामी। वो चिल्लाई, बचाओ मुझे स्वामी। और फिर रथ के अंदर से एक छोटी सी पोटली जमीन पर गिर पड़ी, उसे हमने संभाल के रखा हुआ है। वो कहाँ है, वो कहाँ है? हाँ, ओ भाई तुमने देखा, अवश्य ही ये सीता का वस्त्र है और आभूषण भी सीता के ही हैं। ओ सीते, मेरी सीते, सीते। धीरज रखिए भैया। भगवान, आपके पास दुखी होने का समय नहीं है, आपको तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सीता को बचाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, वो चाहे कहीं भी हो। मुझे मालूम है कि पति को पत्नी के बिना कितना दुख होता है। मेरे भाई वाली ने मेरे राज्य को भी हड़प लिया और मेरी पत्नी को भी ले भागा। अगर मेरे पास मेरा राज्य और मेरी सारी सेना इस समय होती तो अभी के अभी मैं उसे सारी दुनिया में भेज देता सीता मैया को ढूंढने के लिए। सुनिए दशरथ पुत्र श्री राम, मेरी छोटी सी विनती है, क्यों ना आज हम दोनों अपनी शक्ति और दोस्ती के बल से अपने सारे दुखों को मिटा दें। हाँ, ऐसा ही करेंगे। एक मित्र को अपने दूसरे मित्र के लिए अपना सारा धन, अपने सारे सुख, यहाँ तक कि
अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज से मेरा धर्म होगा आपकी हर प्रकार से सहायता करना। मैं सौगंध लेता हूँ। मैं भी सौगंध लेता हूँ। श्री राम ने सुग्रीव को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। बलवान बाली से युद्ध किया। बाली की हार हुई। सुग्रीव को अपनी पत्नी मिल गई और राज्य भी। हाथियों के झुंड की तरह वर्षा के बादल घिराए और ईशा मुख पर्वत पर कई दिनों तक घनघोर वर्षा हुई। जब वर्षा थमी और सूर्य फिर से उदय हुआ तो ऋषिया मुख बाढ़ के पानी से घिरा हुआ एक द्वीप दिखाई पड़ा और तब सुग्रीव ने अपनी महान वानर सेना को बुला भेजा। तुम्हें मेरी सीता मिले तो यह आभूषण उसे दे देना। उसे विश्वास हो जाएगा तुम मेरे दूत हो। यह अंगूठी हमारे रघुकुल की है, कृपया ये तुम उन्हें दे देना। श्री राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए राजा सुग्रीव ने सीता जी की खोज में वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। पक्षी वहां से उड़ा तो फिर उस गुफा में पानी भी हो सकता है। हाँ शायद हमें वहां पानी मिल जाए। देखो प्रकाश दिखाई दे रहा है। वहां से बाहर जाने का रास्ता होगा। चलो हनुमान वानरों के साथ दक्षिण की ओर जा रहे थे। उन्हें जटायु के भाई संपाति मिले। जटायु रावण के हाथों मारा गया था। हम कहां हैं? क्या तुम जटायु के बड़े भाई संपाति हो? हाँ मैं संपाति हूँ। तुम जानते हो मेरे भाई को कैसा है मेरा जटायु? ठीक तो है ना? वो जटायु तो स्वर्ग को सिधार गया। ओ, ओ, ये बहुत दुख की बात है। मेरा भाई मर गया और मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ। बूढ़ा होने के बाद भी उसने बड़ा ही भीषण युद्ध किया दुष्ट राक्षस रावण से और सीता मैया की रक्षा करते हुए उस बेचारे ने अपने प्राण गवा दिए। वो क्या रावण था? रावण है उसका नाम। अगर ये मालूम होता कि मेरे भाई की मृत्यु का कारण वो राक्षस है तो मैं उसे नहीं जाने देता यहाँ से उड़ के। इस ओर से उड़कर गया था? हाँ देखो वहाँ देखो समुद्र के उस पार तुम्हें लंका दिखाई देगी। उस टापू पर तुम्हें रावण और सीता मैया अवश्य मिलेंगे।
हमको फौज के साथ उस पार जाना हो तो बहुत सारी नावों की जरूरत पड़ेगी। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वैसे जवानी में मैंने 21 बार धरती की परिक्रमा की है। अब तो यहाँ केवल एक ही वीर है जो ये काम कर सकता है। तुम जब बहुत छोटे थे तो तुमने उगते हुए सूरज को सोने का फल समझा और पागलों की तरह उसको निगलने के लिए वहाँ उड़ के गए। तुम बड़े बलवान थे पर उस बल का सही प्रयोग नहीं जानते थे। सारी दुनिया तुमसे डरती थी तो तुम्हारी उस विशाल शक्ति को बांध दिया गया मंत्रों द्वारा। यही समय है जब मैं मंत्रों से बंधी हुई शक्ति को स्वतंत्र कर दूं। फिर से तुम ही समुद्र को लांग सकते हो अपने बल द्वारा। तुम ही खोज सकते हो लंका के भीतर सीता मैया को। ओ वामासन्न सहो प्राणस्य चक्षु रक्षण हो श्रोत्रं कर्मयो अपवितः केशा शोरा तंता बहुबाहोर बलम। से लंका की ओर बढ़े परंतु उन्हें समुद्री राक्षसी सिंहिका ने ललकारा। वो क्या है? से बाहर निकलना चाहिए। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। घमासान युद्ध के बाद हनुमान ने राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लंका की ओर चल पड़े। सारा सामान बांधो, चुप करो। तुम्हें देखी दे रही चलो यहाँ। Ooh.
मैं सीता मैया को कहां ढूंढूं? जागी हुई हो। मेरा दिन तुम्हारे मुख की ज्योति देखकर ही आरंभ होता है, पर तुम तो मेरी ओर से विमुख हो। तुम क्यों तड़पा रही हो मेरे प्यार को? मैं राम का शीश तुम्हें उपहार में दूं। ओ, तो तुम मिलने आ गए इससे? छोड़ दो इसका पीछा मेरे राजन, चलो हम वहाँ नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं देवी। राजन कैसे इतने लट्टू हो गए हैं तुम्हारे ऊपर? ऐसे कौन से मोती जड़े हैं तुम में? मुझे देखना होगा तुम्हारे पति को, लेकिन संसार में इतना सुंदर कोई नहीं होगा जितने हमारे लंकेश हैं। मुंह काला करो यहाँ से, दुखी न करो सीता को। राजन को जवाब तो मुझे देना होगा। स्वामी स्वामी मेरे प्रभु, अब तो मुझे जल्दी से बचा लीजिए मेरे स्वामी। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण, मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर, करके रावण हरण तुम्हारा किया मृत्यु आह्वान, जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम, जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है, केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। समझ गया, अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूंगा माता, परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। और मुझे कसरत की भी आवश्यकता है। ये मुझको थोड़ा दमदार लगता है।
बन जाऊं तो शायद मैं रावण को आमने सामने देख सकूं। बचाओ, बचाओ मुझे इस आग से बचाओ। अरे बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें लंका में भेजा है? ओ महाबाहु लंकाधीश, मैं हनुमान हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूँ राजा सुग्रीव का, जो वानरों के राजा तथा परम मित्र और परम भक्त है श्री राम के। तुम भली भांति जानते हो सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध कर्म था। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है, सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे। इसे मार दो। भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूत को अपंग कर दे, कोड़े मारे या मुंह काला कर दे, पर उसे मारना? बुराई ही क्या है मारने में इस बड़बड़िए वानर को? आपने इसे मार दिया तो फिर हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे ला पाएंगे? तो ठीक है, पहले इसकी पूंछ को आग लगा दो और जाने दो इसको। ये मेरी आपसे विनती है, श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे डर है कि अगली बार केवल ये नगर ही नहीं, ये महल भी भस्म हो जाएगा आग में। ए निर्लज्ज, तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही मेरी आंखों के सामने से। तू चुप रहो, उस पार हम कैसे जा सकते हैं?
इस विशाल सेना के लिए हमें हजारों नावों की जरूरत पड़ेगी। एक पुल बना लेंगे हम लोग। पुल? तुम्हें मालूम है इतना लंबा पुल बनाने में हमें कितने बरस लग जाएंगे? वहाँ से केवल सीता मैया को छुड़ाने का प्रश्न होता तो मैं उड़कर लंका जाता और मैया को तुरंत वहाँ से लेकर आता। मेरी पत्नी को ही नहीं दूसरों को भी बचाना होगा। हमें रावण को मारना ही होगा। यदि वैसा ना किया तो धरती पर पूर्ण शांति कभी नहीं होगी। सब बंधुओं सुनो, विभीषण नाम का कोई राक्षस जो कि रावण का भाई है श्री राम की शरण में आया है। इन्होंने रावण को बहुत समझाया और मेरी रक्षा भी की उसके महल में। मुझे तो पूरा विश्वास है इन पर। मैं तो यही कहूंगा कि इनको निस्संदेह सम्मिलित कर लें अपनी सेना में। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तुम अब मित्रों के बीच में हो। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। आप लोगों की लंका पहुंचने की दुविधा में सुन चुका हूं। अगर पूजा करके प्रभु समुद्र देवता से सहायता मांगे तो मार्ग दिखा देंगे। ठीक ही कहा तुमने विभीषण। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्मरक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और सभासदगणों, मुझे मालूम हुआ है जल्दी ही युद्ध शुरू होगा। तुमको कुछ कहना है मुख्यमंत्री? महाराज, आप जैसे महान निर्देशक ने
कितनी छोटी सी बात बताने के लिए ये सवाल आए है कि कुछ बंधन और मनुष्य हमारा भंडार रहने वाले हैं। मेरे थोड़े से उन लोगों को भेज दीजिए जो इस सभा में आए तक नहीं है। वही लोग चुटकियों में राम की सेना को खत्म कर देंगे। रावण, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ। जो बुद्धिमान राजा होता है वो कभी चापलूसों को मान नहीं देता। सामने वाली सेना एक बहुत ही बलवान सेना है। रावण, इसी में भलाई है तुम्हारी, ध्यान से सुनो। सीता को लौटा दो। सीता परम प्रिय पत्नी है प्रभु राम की। दादा महाराज, बड़ी बेवकूफी होगी लौटाना सीता को। हमने उन्हें अभी छोड़ा तो दुश्मन यही सोचेगा कि युद्ध से डरते हैं हम लोग। ऐसा मत कहो तुम, हजारों लोगों को घायल देखूंगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। जो जान गंवाएंगे सो अलग, सिर्फ उस पराई औरत के लिए। दादा महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं आप, तभी युद्ध से डरते हैं। आपसे लोगों का मरना नहीं देखा जाएगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? इंद्रजीत, डरपोक न समझ मुझे, पर हाँ, मैं बिना बात के लड़ना नहीं चाहता। बुलाया मुझको प्रभु राम? हाँ, वानरों के वीर कुमार, कृपया जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। पिछले कई महीनों से यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा, अब मेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। इस पर भी इस विषय पर मैंने पुनः कई बार सोचा। अंत में मुझे यही लगा, इस लड़ाई को मैं अभी भी रोक सकता हूं यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को स्वतंत्र करके रावण शरण में आ जाए मेरी। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हें अचंभा तो हुआ होगा, पर जान हानि को हमको अवश्य रोकना चाहिए। इसी तरह तीनों लोकों में सुख शांति हो सकेगी, उसकी प्राप्ति के लिए ही यह प्रयत्न है। मैं भूल जाऊंगा अहंकारी रावण के पापों को। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। समझ गया, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका यह संदेश रावण तक। धन्यवाद अंगद। तो तुम राम का संदेश लेकर आए हो? अंगद, यही नाम है ना तुम्हारा? तो हमारा उत्तर ये है। वाह, किनौनी बात है ये। क्या शांति दूतों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होता है? रावण, रावण, यही जवाब है ना? तो यही जाके मैं कह दूंगा श्री राम से, अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गया अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे बड़ा दुख है श्री राम, रावण ने आपकी शांति समझौते को नहीं माना। मैंने पूरी कोशिश की। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। यहां आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या आप लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए?
पाए। जय 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 वीर दशानन महाकाल, जय 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 लंकेश्वर, जय राक्षस पति महाकाल, जय जय। मारे काटे पट 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 स्वाहा कर दे झटपट झटपट, रावण राजा की जय जय, राक्षस राजा की जय जय, जय लंकेश्वर, जय राक्षस पति महाकाल, जय जय। जंथल लव में महाबली रावण राजा की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, कृपया कृपया बचाना स्वामी को, बचाना मेरे स्वामी को। राक्षस दुखी कर रहे हैं मुझे। हमारा दिन अच्छा शुरू हुआ राजन, अब लगता है दोनों सेनाएं बराबरी पर हैं, पर हमारे सैनिक थोड़े थकना शुरू हो गए हैं। तो एकदम बुला लो उनको और उन्हें विश्राम दो। हे महापुरुष, इससे तो हमारी सेना की हार भी हो सकती है। अच्छा यही है कि कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ को भेज दें, थके हुए सैनिक पीछे हटकर सुरक्षा करें, पर पूरा दबाव रखना होगा शत्रु पर हमको संध्या काल तक। हाँ, सांझ के समय राम युद्ध को अवश्य रोक देंगे, घायलों की सेवा के लिए और मरे हुओं के अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, मैं कुंभ और निकुंभ को वहां भेज देता हूँ। आ गया मैं बंदरों, तुम्हारा काल आ गया। आ गया मैं, आ गया मैं, तुम्हारा महाराज, कुंभ और निकुंभ युद्ध के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध कर रहे हैं। तुम ये मत भूलो कि वो कुंभकर्ण के बेटे हैं। बहुत से मर गए, कितने ही घायल हो गए। और भी आएंगे, बिछौना तैयार है, दवाई तैयार है। हाँ, सब तैयार है। चलो बिछौना तैयार करो। हाँ चलो चलो, जल्दी करो। Thank you.
तुम बड़ी वीरता से लड़े, मुझे तुम पर गर्व है। विश्राम करो। ये तो बहुत ही मामूली घाव है, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप देखिए। तुम ज्यादा हिलो डुलो नहीं, आराम करो। जी अच्छा। भैया, आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? ये उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है, राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं, और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय ये प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो, और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है। युद्ध अच्छा किया, पर ये तेरा अंत है। Yeah!
की सेना का सबसे बलवान योद्धा है कुंभकर्ण। एक बार अगर वो सो गया तो फिर 6 महीने के बाद ही जागता है। मुझे ऐसा लगता है रावण घबरा गया और विवश होकर उसे पहले ही जगा दिया, क्योंकि उसके बहुत से योद्धा संग्राम में एक के बाद एक मारे गए। उसने इसीलिए भेजा होगा इसे, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। ये देखने में बहुत भयंकर है। पूरे वानर योद्धा डर के मारे भाग रहे हैं उसकी काय से भयभीत होकर। प्रभु राम, यही सही घड़ी है जब आपको युद्ध में जाना पड़ेगा। अब हम युद्ध में भाग लेंगे। का बेटा और राजा सुग्रीव का भतीजा हूँ। तुम वंशज हो उस वाली वानर के, तभी तुम इतने वीर योद्धा हो, पर मैं तुम्हें अब और नहीं उछलने दूंगा। रुको, ये लड़ाई मेरे भाग्य में लिखी है। अच्छा, तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा। अब ये हनुमान तुमसे युद्ध करेगा। खूब खूब। पर युद्ध से पहले इन्हें कुंभ मेरे बच्चों हनुमान, धन्यवाद तुम्हारी नेकी के लिए। ये नीति है। हाथ वाले युद्ध में मेरी जीत निश्चित है। तुम शस्त्रों से लड़ने में चतुर हो, तुमसे शस्त्रों से युद्ध करना उचित है। आ!
ये तो तुम्हारे हित में था कि मेरा शस्त्र टूट गया। अब उठो और युद्ध करो। ठहरो, जहां हो वहीं खड़े रहो। राम हूं मैं, अयोध्या का युवराज हूं, दशरथ का बेटा हूं। कि तुम तलवार के तल हो, तुम दुखी कर रहे हो मुझे। भाग जाओ, जाके खेलो बंदरों से। अंधेरा हो गया है और वहां कुंभकर्ण के होते हुए भी युद्ध घनघोर से घनघोर हो रहा है। पिताजी, अभी जाता हूं मैं युद्ध के मैदान में और समाचार लाता हूं। ठीक है इंद्रजीत बेटे, जाओ। क्षमा करना कुंभकर्ण, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। ये बहुत अच्छा काम किया, ठीक तो है ना आप? हाँ, जरा सी चोट आई है पर वैसे मैं संतुष्ट हूं। अच्छा होता अगर वो मेरा मित्र होता विभीषण। मुझे दुख है कि कुंभकर्ण का वध मेरे हाथों हुआ। कुंभकर्ण भी मारा गया? ये तो बहुत बुरा समय है हमारी लंका के लिए। वो बड़ा बलवान योद्धा था, ये अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। पिताजी बिल्कुल ना घबराइए, विश्वास रखिए, एक योजना है मेरे पास। राम की सेना को खत्म कर दूंगा मैं, आपको ये विश्वास दिलाता हूं। वही आशा है मुझे, भरोसा है तुम पर। अब तुम जाओ। अच्छा पिताजी, को उठाकर ले आओ भीतर, अभी अंधेरा है, जल्दी जल्दी। अभी तो तुम्हें बहुत सी लाशें उठानी पड़ेगी मेरे मित्र। हिम्मत कैसे हुई इसकी ये बोलने की, अभी मजा चखाता हूँ। रुको, वो कौन है? अरे सीता मैया। हनुमान जी, आप कुशल तो है ना? अंगद, कहाँ छुपा है राम? वो इतना डरपोक क्यों है? स्वामी, स्वामी! सीता, मेरी पत्नी। ये रही सीता। राम, ध्यान से देखो। रुको रुको, रुक जाओ। सीता, सीता, लक्ष्मण,
सब लोग आओ, इधर आके छुप जाओ। तुम्हारा नाश अवश्य करूंगा मैं राम, लेकिन मैं तुमको समय दूंगा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे भाई की अंतिम क्रिया के लिए। सीता, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? इस जगह की सारी जड़ी बूटियाँ प्रयोग में ला चुके हैं हम, पर उनसे इंद्रजीत के बाणों के घावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर क्यों हो रहा है ऐसा? हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं तो पहले ही खो चुका हूँ अपनी प्यारी पत्नी सीता को, और अब क्या मैं अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को भी खो बैठूंगा? अगर इसे खो बैठा तो क्या शेष रहेगा मेरे जीवन में? संभलिए श्रीराम, आप ही दुखी होकर घबराएंगे इस तरह तो हमारी सेना अपना मनोबल खो देगी। बुझी हुई सेना कैसे जीतेगी? कृपया दुखी न हो श्रीराम, सीता मैया को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? पर मैंने स्वयं सीता की मृत्यु अभी अभी तो अपनी आंखों से देखी है। जानता हूँ, वो अवश्य ही दुष्ट इंद्रजीत का माया जाल था। क्या माया जाल? पर हाँ, हमको उसकी चालों में फंसकर धोखे में नहीं आना चाहिए। आपके दुख से उसको और बल मिलेगा। इंद्रजीत को सारी शक्ति अपने माया जाल ही से मिलती है। उसके माया जाल की शक्ति को खत्म करने का एक ही उपाय है, हम उस पर आक्रमण करें जब वो अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लगा हो, निकुंभला की गुफा में। इंद्रजीत हमेशा उसी गुफा में जाकर पूजा करता है तांत्रिक विद्या की, बलि भी देता है निकुंभला देवी को। उसकी पूजा शाम से रात तक होती है। इसी पूजा से उसे माया जाल की अद्भुत शक्ति मिलती है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, परंतु यहां भी बहुत से योद्धा घायल पड़े हैं, मेरा भाई लक्ष्मण भी घायल है। नहीं, ऐसी दशा में बहुत कठिन होगा निकुंभला की गुफा पर आक्रमण करना। श्री राम, हिमालय में? हाँ, हिमालय में। बोलो, वहां पर तुम लेटे रहो जामवंत, और बोलो। वहां संजीवनी पूर्ति मिलेगी, उससे हमारे घाव भर जाएंगे। हिमालय में? हिमालय में मिलेंगी, परंतु परंतु हिमालय तो यहां से बहुत दूर है। मेरे श्री राम की अयोध्या है। हिमालय, ओह, हिमालय का पवित्र पर्वत आ ही गया। गिरी आ गया। यहां मुझे संजीवनी बूटी ढूंढनी पड़ेगी, जिसकी हमारी सेना को इस समय बड़ी आवश्यकता है।
वो रही संजीवनी बूटी। ओह, बहुत दर्द है बाह में। वाह, बिल्कुल नहीं दुख रहा, ठीक हो गया घाव। ये जादुई बूटियां बहुत बढ़िया हैं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु इतनी सी मुट्ठी भर बूटियां तो पूरी पड़ने वाली नहीं सब घायलों के लिए, तो फिर जरा सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ, इसको लेता हूं, मेरे लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। अब मेरा निशान होगा। अब इस पहाड़ को ही उठाकर मैं ले जाता हूं वहां। प्राण बचाना लक्ष्मण जी के, मैं आ रहा हूं संजीवनी लेकर। लक्ष्मण जी घबराना नहीं, थोड़ी देर और मृत्यु से लड़ते रहना। पीड़ा को थोड़ा और सहन कर लो लक्ष्मण, धीरज रखो, हनुमान आने वाले ही होंगे बूटियां लेकर तुम्हारे लिए। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण वो देखो हनुमान जी आ गए। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। और वो कुछ उठाकर ला रहे हैं। अरे हाँ, पर वो है क्या? वो पूरा पर्वत उठाए हुए हैं बूटियों के साथ, वो पूरा पर्वत ही उठा लाए हैं। हनुमान जी, क्या इसी पहाड़ पर बूटियां हैं? हाँ, पहाड़ पर एक निशान देखो, वहां मैंने मिट्टी में एक पेड़ गाड़ा हुआ है। जल्दी से संजीवनी बूटी लगा दो लक्ष्मण के घावों पर। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया। हे ईश्वर, भैया राम। ओ लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। हे, हे, वो क्या था? क्या था? आ!
आ जाओ। अच्छा तुम अभी जिंदा हो? हाँ, समय आ गया है, अब तुम भी मरोगे और साथ में ये तुम्हारी रक्षक देवी भी। ये देख के हैरान हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ ऐसे उड़ने वाले राक्षस भी यहां है। तुम लोग मार दो उसे। मुझे ऊपर ले चल। जैसे बंदरों के चंगुल में फंस जाओ। निकल गया हमसे बचो। देख, जो मैं बोलूं तू वही करना, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। आकाश में मुझे ले चल, ये मत भूलना। तू दाएं जाना जब मैं दाएं जाने को कहूं, और बाएं जब मैं बाएं कहूं। अगर तूने भूल की तो इस तलवार से तेरा गला काट दूंगा। बिल्कुल, बस तू उड़ता जा, और तेज और तेज। मैं तुझे मार दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। ही पड़ गया, पर जल्दी मरने वाला है तू। ये तेरा अंत है, मेरा नहीं। मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी इंद्रजीत। बस आया तुझे लक्ष्मण। इंद्रजीत, यही अंत है तुझ जैसे मायावी नीच का। ओ लक्ष्मण, मुझको तू नहीं मार सकता। हाँ,
मेरे प्यारे बेटे ने केवल छाया को ही मारा था सीता की, असली सीता को अब मैं मारूंगा। राम के सारे योद्धाओं का विनाश कर दूंगा। और बढ़ाओगे अपने पाप सीता की हत्या करके? निर्दोष स्त्री है वो, हमारे प्रहस्त्र, हमारे कुंभ निकुंभ। और कुंभकर्ण ने रणभूमि में वीरों की तरह लड़कर अपनी जान गंवाई है, हमारे इंद्रजीत में भी लड़ाई में जान दी। तुम जो भाई हो, पिता हो, राजा हो उन सबके, तुम उनकी वीरता पर कालिक पोत देना चाहते हो? अब समय आ गया है कि हम दोनों भी युद्ध भूमि में जाकर बदला लें उन सबका। वो मैं देख लूंगा, आप यहाँ रहकर हमारे बच्चों और औरतों की रक्षा कीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे टक्कर नहीं ले सकती, राम भी नहीं। ये तो जैसे गरुड़ पर भगवान विष्णु बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही लगते हैं। हम दोनों के बीच आज जो युद्ध होगा उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना, तुम्हारा राजा रावण जो तुम्हारे लिए एक प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है? एक साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। राम, इतना घमंड तुम्हारे भीतर कैसे आ गया बताओ मुझे? हा? तुम्हारे घमंडी होंठों पर ये शब्द दोबारा नहीं आएंगे। बहादुर योद्धाओं लंका के, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ सबसे बड़ा बलवान कौन है। चलो आ जाओ राम, युद्ध करें। तो फिर रावण, युद्ध करो। अब इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, वो देखो, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा।
इस अग्नि चक्र में से निकल के दिखाओ राम। ओ, ओ। ये मुझसे भी बड़ी शक्ति कौन सी है? ओ, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हार मान लो राम, हार मान लो। रावण भैया, आपकी आत्मा को शांति मिले। सब समाप्त हो गया। लंका के योद्धाओं, राजा रावण धरती मां की गोद में चले गए। युद्ध बंद करो, शस्त्रों को त्याग दो और अपने देश की कीर्ति को पुनः उजागर करने में तुम सब लोग पूरा सहयोग दो राजा विभीषण को। श्री राम। सीते। स्वामी। मैं सबकी आभारी हूँ, पर जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए उनके बारे में सोचकर दुख होता है। अब मैं मनन करके ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, उनके लिए क्षमा मांगूंगी सबकी आत्माओं से। आप वो ना भी करें तो ठीक है, आप श्री राम के साथ सुखी जीवन बिताएं तो उनका बलिदान अति उत्तम त्याग माना जाएगा। आपका ये उपदेश मैं भूलूंगी नहीं सुग्रीव जी। लंका के नए राजा विभीषण ने राम और सीता को अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान भेंट किया। लौटते समय सीता जी ने श्री राम की ओर देखा, उनकी आंखों में श्री राम से मिलने की प्रसन्नता भी थी और उन लोगों के लिए दुख भी था जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उस युद्ध में जिसको टाला जा सकता था। अपने प्रिय राजा राम के लौट आने पर अयोध्या वासियों ने अनेकों उत्सव मनाए। उसके बाद उनका जीवन सुखमय रहा। कुछ वर्षों के बाद श्री राम बैकुंठ लौट गए और सीता मैया धरती मां की गोद में समा गईं। जय श्री राम, जय श्री राम।
चरणों की मैं गदगद हो जाऊं रे ओ, तेरी शरण में आकर रामा सुख जीवन के पाऊं रे ओ, सुख जीवन के रहे तेरा नाम रे ओ, चार चुफेरे गूंजे बस एक जय सिया राम सिया राम रे ओ, जय सिया राम सिया राम।